नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इतने मतलब ये जो एयर प्योरीफायर प्लांट है एरिका पाम के साथ, और मैंने अपने एरिका पाम की प्रूनिंग कर दी है, जिसके जो भी पत्ते थे वो मैंने सब बेकार पत्ते हटा दिए हैं, और मैं आज इसकी रिपोर्टिंग करने जा रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं बहुत ही रफ टफ पौधा कोई, जिसकी आपको मतलब इतनी ज़्यादा केयर ना करनी पड़े, तो आप एरिका पाम को लगा सकते हो। और एरिका पाम एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, इसलिए भी आप इसे ये इनडोर आउटडोर दोनों ही रख सकते हो, दोनों ही जगह रख सकते हो इसे। मैंने तो बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि ये बड़ा वाला एरिका पाम है, तो एरिका पाम छोटे बड़े अलग अलग साइज़ के आते हैं। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस प्लांट को मैं कहूँगी ज़रूर लगाएं। बस ये साल में एक बार रिपोर्टिंग मांगता है, साल में एक बार खाद डाल दो। आपके पास जो भी खाद हो आप वो डाल सकते हैं। मैं अक्सर इसमें गोबर की खाद डालती हूँ, और आज मैंने पॉट फिल किया है, तो मैंने कैसे कैसे फिल किया है वो मैं आपको बताऊँगी। और मतलब जो छोटा वाला एरिका पाम होता है वो तो मतलब थोड़े छोटे पॉट में आ जाता है, लेकिन ये बड़े वालों के लिए बड़ा ही पॉट चाहिए होता है। तो यहाँ मैंने इन दोनों की भी प्रूनिंग कर दी है, और यहाँ पे इस वाले की भी सारी मतलब इनकी जो पत्तियाँ थी वो बेकार बेकार सब हटा दी है। आपको तो मालूम ही है कि अब ये जो परमानेंट प्लांट हैं इनकी ग्रोथ का पीरियड है। अब ये देखो, ये सारी इनकी नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, ये सब मतलब जितनी है ना, ये जो खुले नहीं है, जो आपको ऐसे डंडे डंडे से दिख रहे हैं, ये इनकी पत्तियां हैं, खूबसूरत सी पत्तियां। और उसमें भी बहुत सारी पत्तियां आ रही हैं, देखो ये सब नई नई पत्तियां आ रही हैं। ये सारी जो आपको डंडे से दिख रहे होंगे सारी पत्तियां हैं, और जो इनकी मतलब थोड़ी जली जली सी पत्तियाँ लग रही थी मुझे, तो मैंने सब हटा दी हैं। और सब में ही मैंने मतलब गोबर की इन दोनों में तो शायद मैं देखूंगी कि इनकी क्या कंडीशन है, ये रिपोर्टिंग के लायक है कि नहीं है, लेकिन उसको मैंने रिपोर्ट कर दिया है। और कैसे कैसे किया है आप भी देखना। के पौधे जो एरिका पाम है 120 या 100 रुपये में नर्सरी में आराम से मिल जाते हैं, और ये डिवाइड करके ही होता है एरिका पाम। देखो जैसे मतलब यहाँ पे ये इसके इतने तने हैं, तो जब जैसे इनको आप बाहर निकालोगे, इन्हें हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते एरिका पाम को जिससे और पौधों को कर सकते हैं। इनको हमें पूरे पॉट से बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इसका ये नया प्लांट आ रहा है, इसके ये दो नए प्लांट आ रहे हैं, तो इन्हें डिवाइड करके हम काफ़ी सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। बहुत मुश्किल से मैंने इस एरिका पाम को बाहर निकाला, देखो ये पूरा रूट बॉन्ड हो गया है, काफ़ी मतलब हो गया। तो इस टाइम पे आप भी अपने एरिका पाम को इस तरह से निकाल के रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर अभी नहीं करना चाहते तो ये देखो मेरा प्लांट तो ऐसे हो गया है यहाँ, अभी नहीं करना चाहते तो बरसात में करें, लेकिन मुझे इसलिए करना पड़ा, मैंने सोचा कहीं गमला टूट ना जाए। तो हम क्या क्या करेंगे इसमें यही मैं आपको बताऊँगी, कौन सी खाद डालेंगे और कैसे कैसे करेंगे। पहले तो मैं इसकी सारी जड़ें हटा देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा जाल बन गया है जड़ों का। देखो बहुत ही कम मिट्टी में मैं इस पॉट को फिल कर रही हूँ, ये बहुत ही बड़ा पॉट है। यहाँ आप एरिका पाम का साइज़ देख सकते हो, तो एरिका पाम कितना बड़ा है। तो मैंने यहाँ पे सूखी सूखी पत्तियाँ डाल दी हैं, आम की बहुत सारी पत्तियाँ थी, उनको मैंने क्रश भी कर लिया थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे हुआ। और यहाँ पे कुछ किचन वेस्ट कंपोस्ट है, ये मैंने मतलब मैं इसको भी डालूंगी, फिर उसके ऊपर से सूखी पत्ती, फिर हल्की सी मिट्टी। और हल्की सी मिट्टी में इसकी मैंने जड़ें काट दी हैं, देखो यहाँ ये इसकी जड़ें निकली हैं, इसकी जड़ की थाली सी बन गई थी यहाँ, ये मैंने काट दी। आप किसी भी चीज़ की सहायता से काट सकते हो यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छी टिप्स देना चाहूँगी कि अब गर्मी का सीज़न जैसे शुरू होने वाला है, और अगर आपके पास ये नारियल के छिलके हैं तो आप इनको भी रख सकते हैं जब इसको रिपोर्ट करें, ताकि मतलब आपके प्लांट में पानी की कमी ना हो। तो देखो इस तरह से मैं थोड़े थोड़े इन्हें भी रख दूँगी। इससे क्या लगता है कि मिट्टी ऊपर से तो लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा सूखी होगी, लेकिन अंदर से प्लांट हमारा बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि ये नमी को होल्ड करके रखते हैं ये जो होते हैं नारियल के छिलके। मैं थोड़ी सी गोबर की खाद भी डाल दूँगी, क्योंकि जो मैंने किचन वेस्ट और पत्तियाँ डाली है इसकी वजह से वो जल्दी से डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। और फिर इसमें हम डाल देंगे पानी और हल्की सी मिट्टी डाल देंगे ऊपर से। यहाँ पे ये पौधा हो गया है रिपोर्ट।